नमस्कार, मैं हूं अंशुलि भंडारी और आप देख रहे हैं वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी पर, जिसे मोदी सरकार अप्रैल 2016 से हर हाल में लागू करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में मोदी सरकार ने इसे पहले ही पास करा लिया है। अब सोमवार को राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। जीएसटी के मौजूदा स्वरूप को लेकर विपक्षी पार्टी, खासकर की कांग्रेस, इसका विरोध कर रही है। आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जीएसटी पर आम सहमति बनाने की कोशिश। 1 अप्रैल 2016 से सरकार करना चाहती है लागू। सरकार कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले सहमति बनाने की कर रही है कोशिश। जीएसटी दर पर फिलहाल चर्चा से कर रही है परहेज। जीएसटी नेटवर्क बनाने का खर्च केंद्र और राज्य मिलकर करेंगी। नेटवर्क के खर्च पर बनी सहमति। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पर भी सहमति। तो सोमवार को राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश हो रहा है। अब देखना होगा कि आखिर वहां पर किस तरीके से जो इस पर आगे इसको पास करवा पाती है। बहरहाल हम ये भी बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ लखनऊ से सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता हैं, वो भी जुड़ेंगे। आगे बढ़ने क्यों हो रहा है, जीएसटी पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश अप्रैल 2016 से इसे हर हाल में लागू करने की है। यही वजह है कि सरकार तकरार की राह छोड़कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को लागू करने की राह पर सरकार सतर्कता भरे कदम उठा रही है। जीएसटी पर गठित राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की तिरुवनंतपुरम में 2 दिन चली बैठक में जीएसटी के रेट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि बैठक में सभी राज्यों के बीच आयात, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी के लिए आईटी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए नेटवर्क कंपनी को अधिकृत करने पर सहमति बन गई है। हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध करने पर सरकार ने पहले कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने का लक्ष्य तय किया है। यही वजह है कि इस बैठक में जीएसटी रेट पर कोई चर्चा नहीं हुई। राज्य और केंद्र मिलकर बांटेंगे खर्च। जीएसटी पर गठित अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष केएम मणि ने बताया कि जीएसटी नेटवर्क की स्थापना में जो खर्च आएगा उसको केंद्र और राज्य के बीच बराबर बांटने पर भी सहमति बन गई है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर भी सहमति। उन्होंने बताया कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और आयात पर जीएसटी के लिए कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिश को इस बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड पर बनी ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। रिटर्न और रिफंड रिपोर्ट पर राज्य के वित्त मंत्रियों से सुझाव लेने के बाद दोबारा संशोधित करने के लिए ज्वाइंट कमेटी को कहा गया है। राज्यसभा में अड़चन। जीएसटी संशोधन बिल को लोकसभा में भले ही 2/3 बहुमत से मंजूरी मिल गई है, लेकिन मोदी सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट की असल परीक्षा राज्यसभा में होगी। सरकार जीएसटी बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा यदि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं, तो जीएसटी रेट 20 से 25% हो सकता है रेट। लोकसभा में जीएसटी संशोधन बिल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जीएसटी रेट अधिकार प्राप्त समिति की एक सब पैनल द्वारा 27% सिफारिशों के नीचे रह सकती है। मेरा मानना है कि 27% की दर बहुत अधिक है।
कोई भी राज्य या केंद्र सरकार लोगों पर उच्च टैक्स रेट नहीं लगाना चाहता है। 13वें वित्त आयोग ने टैक्स रेट 18% रखने का सुझाव दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि जीएसटी रेट 20 से 25% के दायरे में रह सकता है। ब्यूरो न्यूज दिल्ली। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अड़चनें आ सकती हैं राज्यसभा में जब जीएसटी बिल को पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। आकाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सरकार, मोदी सरकार का कहना है कि जीएसटी बिल अगर ये पास होता है तो इससे महंगाई कम होगी, आम जनता खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन्हें फायदा होगा। क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। जीएसटी एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बता सकता हूं आज हमारे देश के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और मैं कोई टेक्निकल टर्म्स इकोनॉमिस्ट वाली जीडीपी, जीएसडीपी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेफिसिट कुछ नहीं बात करूंगा, एक आम देसी आदमी के हिसाब से बात करूंगा। आज की तारीख में आम हिंदुस्तानी की परेशानी क्या है, उसकी कमाई कम है, उसका खर्चा ज्यादा है। अब जीएसटी जो है, और मैं आपको पूरा डेटा दूंगा क्यों मैं ऐसा फील करता हूं, जीएसटी से हमारी जीडीपी बढ़ेगी करीब 1.95%, मेरे पास पूरा डेटा है, जिसका सिंपल मतलब है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आम आदमी की कमाई बढ़ेगी, उसकी तनख्वाह बढ़ेगी। दूसरा, जीएसटी से इन्फ्लेशन कम होगी, डब्ल्यूपीआई में कमी आ रही है 1.82 के आसपास, यानी आम आदमी का खर्चा कम हो जाएगा। आज यही आम हिंदुस्तानी की स्ट्रगल है कि उसकी सैलरी या उसकी बिजनेस इनकम उतनी बढ़ नहीं रही जितने एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हर आदमी को ये रिलेट करेगा, हर आदमी को बेनिफिट पहुंचाएगा। दूसरा, और इसको सिंप्लीफाई करते हुए, जब भी हम कोई स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हैं हम ट्रकों की कतार देखते हैं जहां 4-4, 6-6 घंटे ट्रक्स खड़े रहते हैं, और विश्व में और किसी कंट्री में ऐसा नहीं है। अब 4 घंटे 6 घंटे ट्रक रुका रहेगा तो वो ट्रक नहीं रुका हुआ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि ट्रक रुकता है पहले तो पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, डिस्ट्रॉय होने वाला सामान उसमें खराब हो जाता है। दूसरा क्या है, अगर ट्रक जो है 2 दिन की जगह 4 दिन में सफर तय करेगा, अब इंडिया में तो ऐसी ऐसी जगह है 200 किलोमीटर के अंदर 4 स्टेट की बॉर्डर आते हैं, तो वो 2 दिन का सफर 4 दिन में तय करेगा तो ट्रक की जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की, ड्राइवर की फीस ज्यादा रहेगी। तो जाहिर सी बात है आपका जो फ्रेट है यानी माल ढुलाई का खर्चा वो ज्यादा होता है, फिर बफर स्टॉक्स आपको जो है ज्यादा रखने पड़ते हैं। साथ ही साथ आज का जमाना है ग्लोबलाइजेशन का, हम बात करते हैं चाइना से मैन्युफैक्चरिंग में कम्पीट करने की, और सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा ये, आज वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कह रहे हैं कि 2017 में इंडिया वुड बी द बिगेस्ट, परहैप्स इट कैन बी द बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम अपने ट्रक को अगर 4 घंटे 6 घंटे रोकेंगे तो सिंपल टर्म में हम अपनी इकोनॉमी को रोकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें स्टेट्स के कंसर्न ना देखे जाए, स्टेट्स के कंसर्न देखे जाए, उनको भी रेवेन्यू मिलना चाहिए, स्टेट्स के तमाम तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, उस एंगल को केवल रेवेन्यू की बात नहीं है, ये जो स्टेट की तरफ से जो आपत्तियां आ रही है उसमें ये है कि सेंटर इस मुद्दे को लेकर के स्टेट में इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि टैक्सेशन जो है वो स्टेट लिस्ट का मामला है और उसमें अगर केंद्र हस्तक्षेप करती है, हालांकि जब हस्तक्षेप होगा तो केंद्र की बात मानी जाती है, लेकिन इसी बहाने उनके ना सिर्फ उनके पर्सनल मैटर में वो इंटरफेयर कर रही है बल्कि जो टैक्सेशन का बंटवारा है उस पर अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े हित को साधने के लिए ये बात तो ठीक है जो जीएसटी आप लागू करें, लेकिन राज्य को नाराज करके अगर आप इसको लाते हैं तो मुझे लगता है इंप्लीमेंटेशन में जो है आपको दिक्कतें आएंगी। जी, जहां तक है मैं इस बात पे आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी में हर एक को साथ लेकर चलना जरूरी है और राज्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, काम तो सारा राज्य में होना है, अल्टीमेटली राज्यों को साथ लेकर चलना, उनका कंसेंसस बिल्ड करना, और साथ ही साथ रेवेन्यू शेयरिंग, जो आपने एक बड़ा रेलिवेंट पॉइंट उठाया है, वो बहुत जरूरी है। राज्यों को अपना शेयर मिलना चाहिए, कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए, उनके साथ सहमति बननी चाहिए, तभी ये चीज को जो है आगे इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज यस, प्लानिंग इंडिया में कई चीजों की होती है बट इंप्लीमेंटेशन होते होते कई इश्यूज आ जाते हैं। तो आई थिंक उनको साथ लेके चलना जरूरी भी है और आई थिंक ड्यूटी भी हमारी बनती है, तभी जाके इसको एक इफेक्टिव, इसका बेनिफिट सारी कंट्री को मिल पाएगा, क्योंकि काम जो होना है अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग का होनी हो तो स्टेट्स में ही होनी है। लेकिन आकाश जी, जो राज्यों को दिक्कतें हैं, जो कुछ राज्यों को दिक्कतें हैं, क्योंकि इंडिया में जो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जो पूरा टैक्स रेवेन्यू है वो उनके पेट्रोल और डीजल पर ही है, लेकिन जीएसटी बिल में ऐसा प्रावधान है कि अगर ये लागू हो जाता है तो फिर तमाम जो राज्यों में एक ही जैसा जो कीमत है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो डीजल हो, उनकी एक ही जैसी कीमत हो जाएगी। अब वो राज्य क्या करे जिनका जो टैक्स रेवेन्यू है पूरा का पूरा इन्हीं सब चीजों पर निर्भर करता है, ऐसे में राज्यों का कहना है कि उन्हें नुकसान होगा ही। पेट्रोल और लिकर को तो अलग एंगल से देखा जाएगा, बट बाकी दूसरा है, सेंटर तो उनको एडिशनल सोर्सेज दे सकता है,
देखिए अगर सेंटर के पास भी पैसा आता है तो सेंटर के पास बहुत से तरीके हैं राज्यों को देने के, और सेंटर की ड्यूटी भी बनती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी पार्टी हो, स्टेट में कोई भी पार्टी हो, अल्टीमेटली सेंटर की ड्यूटी है कि हर स्टेट के वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए वहां उनको दिया जाए। तो आई थिंक अगर कोई स्टेट ये बात करती है कि हमें रेवेन्यू शेयरिंग या हमें रिक्वायर्ड फंड्स नहीं मिलते, तो वहां सेंटर की ड्यूटी बनती है कि उस चीज को देखे। अगर वहां वो जायज डिमांड है तो सेंटर को वहां पे देना चाहिए। अल्टीमेटली जब हम आम आदमी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो वहां तो देखना चाहिए स्टेट में कोई का, भी। बिल्कुल इसी का जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस नेता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, जीएसटी बिल का विरोध कांग्रेस कर रही है, आखिर क्यों? करके आई थी अंजलि जी, सच्चाई ये है कि वर्तमान की जो एनडीए सरकार है ये अपने हित को साधने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए ये कहीं पर भी डायलॉग प्रोसेस में भरोसा नहीं रखती, हर चीज को थोपना चाहती है जी। हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जीएसटी को तो हम ही लेकर के आए थे जी। इसके कुछ प्रावधानों का विरोध, लेकिन आप जी बिल्कुल एक करेक्ट, सुरेंद्र जी माफ कीजिएगा, आपको एक करेक्ट करना चाहूंगी। जो 2011 में जब लेके आए थे और उस अब में बहुत डिफरेंस है। पहले में था कि जो लिकर है और साथ ही साथ पेट्रोल है उसमें वो जो है वो सब इनसे बाहर रहेगा, जीएसटी से बाहर रहेगा, यानी कि उसके अलग। सुरेंद्र जी से ही जान लेते हैं कि आखिर क्यों, किस बिंदु पे आपको विरोध है, आप वो चाहते हैं कि आप वो चीजें आनी चाहिए, तो संशोधन होना चाहिए। अगर आप संशोधन चाहते हैं तो आपको वॉकआउट नहीं करना चाहिए, आप संशोधन की मांग कीजिए। बिल्कुल, वॉकआउट तो एक आखिरी प्रक्रिया का हिस्सा है अंजलि, मैं आपसे बताऊं कि जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, जब हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, जब हमारी बात पर जब हमको सेलेक्ट कमेटी की हम मांग करते हैं उसको कि जीएसटी को आप सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, सेलेक्ट कमेटी सारे अधिकार पूर्ण एक कमेटी होती है और वहां पर जो है सारे दलों के अपने अपने प्रतिनिधि होते हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है तो सेलेक्ट कमेटी में ज्यादा उनके मेंबर होंगे। फर्क आप इस बात को समझे कि इसमें गरीब व्यापारी, खुदरा व्यापारी और आम आदमी, इससे महंगाई घटेगी नहीं, इससे महंगाई बढ़ेगी। जो मेरे मित्र अभी जो इकोनॉमिक विशेषज्ञ थे, मैं उनसे दो तीन बातें पूछना चाहता हूं। मैं तो एक इकोनॉमिक विशेषज्ञ नहीं हूं, कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूं। स्पष्ट आप देखिए कि 12% जो था सर्विस टैक्स था अब, और लगभग जनरल एक टैक्सेशन पूरे राज्य के जो है पूरे देश में एक आम 8 से लेकर 9% 10% तक सारे गुड्स पे होते हैं, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे जीवन रक्षक दवाइयां हो, और चाहे और पेट्रोल को और लीकर को छोड़ दीजिए, उन पर हायर टैक्सेस हैं। लेकिन जो बाकी टैक्सेस हैं वो लगभग 8 से 5, 4 से लेकर 10% के बीच में होते हैं। ऑन एन एवरेज जो होता है लगभग 10% आता है। सैनिटरी गुड्स पे यहाँ यूपी में 14-15% है, तो आप सारा एवरेज निकालेंगे। और 12% पहले सर्विस टैक्स होता था, 12 और 10 दोनों को इंक्लूसिव करके आप 22% कर लीजिए, आप 27% करने की बात कर रहे हैं। तो ये टैक्स अभी को तो आप अभी वो तय नहीं हुआ है, अभी रेवेन्यू तय नहीं हुआ है, घाटे को आप अभी अभी दर तय नहीं हुई है। सुरेंद्र जी अभी तो उस पर बात भी नहीं हुई है, अभी तो दर कोई तय ही नहीं किया गया है, उस पर बातचीत चलेगी तब बताएंगे। अब आकाश जिंदल जी बताएंगे आपको जो गरीबी इससे घटेगी, महंगाई इससे कम होगा कि नहीं होगा, जो सवाल उठा रहे हैं जिंदल साहब, बताएं किस तरीके से गरीबी कम होगी। बिल्कुल, इससे देखिए सबसे पहले तो जीडीपी के अंदर ग्रोथ हो जाएगी, जीडीपी डायरेक्टली बढ़ जाएगी। बिकॉज होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया जी, हम अगर एक ट्रक को स्टेट बॉर्डर पे रोकते हैं तो मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा, डायरेक्टली हम अपनी इकोनॉमी को रोक रहे हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक रहे हैं, वो भी आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में। अब बड़ा सिंप्लीफाई करता हूं इस एग्जांपल को, रॉ मटेरियल जब फैक्ट्री तक पहुंचता है वो डिले होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन डिले होती है, फिनिश गुड्स पोर्ट तक पहुंचते हैं वो डिले होते हैं तो जाहिर सी बात है सेल डिले होती है, और दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी। अगर हम 4 दिन में मैन्युफैक्चर करेंगे, चाइना उसको 2 दिन में मैन्युफैक्चर कर देगा, तो दुनिया हमारी वेट नहीं करेगी, वो चाइना से डिलेगा और हमारा प्रोडक्ट दुनिया की मार्केट में नहीं बिक पाएगा। मैं अपने मित्र सुरेंद्र जी को बता दूं, मेरा किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि लिबरलाइजेशन का प्रोसेस कांग्रेस ने इस देश में शुरू किया था और उस प्रोसेस के फायदे आज तक हम एंजॉय कर रहे हैं। आपकी पार्टी सुरेंद्र जी अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं, सुरेंद्र जी अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं जी, सुरेंद्र जी बताएं। मेरे मित्र मेरा प्रश्न तो सुन ले, मुकेश जी अंजलि जी इनसे कहें प्रश्न मैं पूरा कर लूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न जवाब दे सकते हैं। जी मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक हंगामा करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपके सामने एक प्रश्न। बिल्कुल सही बात है, सही बात है सुरेंद्र जी, आप सवाल पूछिए। आप समझिए पहले मेरी बात को, बिल्कुल, सर्विस टैक्स को आपने 12% से 14% कर दिया
और उसी सर्विस टैक्स को आप सेल टैक्स में जोड़ ले रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 27% से नीचे रखेंगे। आप समझिए, तो जो सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, चाहे ब्यूटिशियन हो, मैं आपको बताऊं, चाहे आपके ट्रक वाले जो क्या ट्रांसपोर्ट वाले हो, जिनके ऊपर सेल टैक्स नहीं पड़ता है, सिर्फ सर्विस टैक्स पड़ता है, वो भी 25% के दायरे में आ रहे हैं। तो महंगाई घट नहीं रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, टैक्स इंक्लूजन में महंगाई बढ़ रही है। रही बात जीडीपी की और 2 दिन ट्रक रोकने की, 4 दिन ट्रक रोकने की, निश्चित तौर पर इससे पहले चुंगियां होती थी और ज्यादा ट्रक रुकते थे। चुंगी सिस्टम पूरे देश में खत्म किया, एकाध जगहों को छोड़ करके अब ट्रक रुकने बंद हो गए। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जब सर्विस टैक्स को और सेल टैक्स को मिला करके आप लोग 25% 27% या 26% जो भी करना चाहते हैं, जिन जिन प्रोडक्ट्स पर सर्विस टैक्स नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, बिल्कुल माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर अर्थ शास्त्री एस के दत्ता जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदे मातरम में। एस के दत्ता जी, जीएसटी बिल को लागू करने को लेकर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, राज्यसभा में पेश होना है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो महंगाई पर महंगाई कम होगी, क्या सच में ऐसा है? आम लोगों के एक्स्ट्रा दिन आएंगे इससे क्या? हकीकत है महंगाई बिल देश में लागू, चलिए लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बात की जगह बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र जी से हम पूछना चाहेंगे, जो ये बता रहे हैं 14% टैक्स हो गया है, ज्यादा हो गया है, 12 से 14% हो गया है, और ट्रक वाले 27% जो है वो जो कोई भी कंज्यूमर है उसको अब 27% देना पड़ेगा। आकाश जी, हम आपसे साफ करना चाहेंगे कि क्या अभी भी तो 20 तरीके के टैक्स हैं हमारे पास करीब, जो एक उपभोक्ता जो है देता है, कोई भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचने के बीच में करीब 20 तरीके के टैक्स हैं, जिसको अल्टीमेटली जो पे ग्राहक को ही करना, उपभोक्ता है उसी को करना पड़ता है। अगर उसको हम जोड़ के देखें तो वो 27 से कहीं ज्यादा हो जा रहा है, तो अगर 27% ही अगर ले रहे हैं या 27, हालांकि दर तो अभी तय नहीं हुई है, 27 से कम ही रहना है उसको, 20 से 25 के बीच में इसको फिक्स करने की बातचीत चल रही है, तो क्या कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन का जो दर है, दो चीज, एक तो सिंप्लीफाई हो रहा है, एक विंडो पे आपको सारी चीजें देनी पड़ेगी, आपको बार बार टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, और जो अगर जोड़े आप तो कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन कम हो रहा है तो शायद इससे भी महंगाई कम होगी, यही चीज आप शायद बताना चाह रहे हैं। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गिवन 50% ऑफ माई रिप्लाई, देखिए मेरी रिप्लाई का आधा हिस्सा तो ऑलरेडी आपने दे दिया। देखिए होगा इसमें क्या कि अगर इसको टेक्निकली चले तो एक बार चेन में जहां एक बार टैक्स पे हो गया उसका क्रेडिट ऑटोमेटिकली आगे जो है आपको मिलता जाएगा, तो जो अलग अलग तरह के टैक्सेस उस पे एड अप होते थे वो चीज वहां पे रुक जाए। दूसरी, जहां तक सर्विस टैक्स जो है 12 से 14 करने की बात है, वो उसका जीएसटी से तो कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो एक बजट में अलग से प्रोविजन रखा गया है। मैं यहां ना तो बीजेपी की सपोर्ट कर रहा हूं ना उनको डिफेंड करने के लिए बैठा हूं, उसको जीएसटी से हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, वो तो बजट में एक जो है टैक्स का प्रोविजन बढ़ाया गया है। जीएसटी का रेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, अलग अलग जो टैक्सेस हैं वो जो है पे करने की बजाय एक सिंपल टैक्स होगा, और मैं सरकार को एज एन इकोनॉमिस्ट कहना चाहूंगा कि उस टैक्सेशन को कम रखा जाए, और कल को अगर हमारा डेफिसिट जो है रिड्यूस हो जाता है तो जाहिर सी बात है पूरे देश का प्रेशर होगा, उससे कम रखा जाए जी। तो इससे टैक्सेशन का बोझ जो है ज्यादा नहीं पड़ेगा। मैं अपने मित्र को वही कहना चाहता हूं, जो प्रोसीजर का सिंप्लीफिकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इंडिया जो ग्रोथ पे पीछे रह गया, प्लीज अलाउ मी 10 सेकंड वरना बात पूरी बन नहीं पाएगी, जो इंडिया आज ग्रोथ पे पीछे रह गया इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो है सिस्टम नहीं है, हमारा ग्रोथ नहीं है, हमारे पास प्रोसीजरल रेड टेप जो है वो रेड टेप काफी हद तक खत्म हो जाएगा, वो हमारे लिए बहुत बहुत रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल, अर्थ शास्त्री हमारे साथ एस के दत्ता जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम में सर आपका। जी नमस्कार जी। एस के दत्ता जी, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि जो जीएसटी बिल है अगर वो लागू हो जाता है तो महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ राज्य सरकारें ऐसे हैं जिन्हें इससे दिक्कत है, क्या इससे महंगाई कम होगी? क्या वो जो राज्य सरकार विरोध कर रही है, कुछ राज्य की, क्या उनका ये विरोध सही है? आपके प्रश्न को अगर मैं जवाब दूं तो इस पे दो हिस्सा है, पहला जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से उसका जवाब देना उचित होगा, दूसरा हिस्सा जो है वो राजनीतिक प्रश्न है।
पहले हिस्से की अगर बात करें, महंगाई जीएसटी लागू होने से बेशक पूरे देश भर में कम होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक संतुलित ढांचा बन जाएगा टैक्सिंग का, और उसके साथ साथ एक संतुलित वे में टैक्सिंग रेजिम होगा पूरे देश भर में। तो उसके चलते अभी अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह का रेट है सेल्स टैक्स को लेके, एंट्री टैक्स, एग्जिट टैक्स को लेके, वो सब सारी चीजें खारिज हो जाएगा और पूरे देश भर में एक संतुलित टैक्सिंग सिस्टम होगा। उसके चलते मसलन जो आलू की कीमत जो मेघालय में जो है वो ही कीमत दिल्ली में भी होगी उस आलू की, तो नेचुरल है कि उसके चलते महंगाई पूरे केवल दिल्ली या फिर मुंबई या कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कम होगा महंगाई। और मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा पानी बह चुका है, अब जरूरत आ गया है कि इस पूरे टैक्सिंग सिस्टम को तत्कालीन रूप से पूरे देश भर में लागू किया जाए। दत्ता जी, एक चीज यहाँ लोग जानना चाहेंगे, अब टैक्सेशन चूंकि एक हो जाएगा तो जहां पर दिल्ली में मान लीजिए पेट्रोल की कीमत कम है और मुंबई में ज्यादा है, अगर आप जनरल करेंगे तो पेट्रोल की कीमतें कम आएगी, अगर औसत आप निकालें तो मुंबई के लिए तो वो जरूर कम हो जाएगी लेकिन दिल्ली के लिए तो वो बढ़ जाएगी अगर औसत निकालेंगे। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्राइसिंग के हिसाब से पेट्रोल की कीमत क्या नहीं, है वो चीज जो वो तो अभी चल ही रहा है सभी जगह इंटरनेशनली। मैं आपकी उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा पहले। बिल्कुल बताइए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो टैक्सिंग जो प्राइसेस है तेल की, उस हिसाब से पूरे देश भर में वो कहीं ना कहीं पे एक प्राइसिंग मैकेनिज्म तय होता है। उसके साथ साथ प्रदेश में अलग अलग तरह के सेस होते हैं पेट्रोल के ऊपर, तो उसके चलते प्रदेश के सरकार अपने हिसाब से सेस लगाते हैं जी। तो उसके चलते ये संतुलन नहीं रहता है पूरे देश भर में पेट्रोल और पेट्रोलियम के अलग अलग पदार्थों को लेके। दिल्ली में जो पेट्रोल है, पेट्रोल मैं वही कह रहा हूँ दत्ता जी, मैं वही कह रहा हूँ, वैट चूंकि अलग अलग है तो हमारे यहाँ जब कम है लगा रहे हैं, तो मुंबई में ज्यादा है तो मुंबई वाले के लिए तो कम हो जाएगा, दिल्ली में तो बढ़ जाएगा, तो हम क्यों करें इसमें? उसी पे तो मैं आ रहा हूँ, कृपया करके थोड़ा सा सुन लीजिएगा बात, बीच में मत काटिए। हाँ बिल्कुल, वहाँ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूरा यूनिफॉर्म लेवल पे जब एक टैक्स का रेजिम पूरे देश भर में लागू होगा, ये तमाम जिस तरह के सेस है जो प्रदेश के सरकार लगाते हैं या फिर अलग अलग मात्रा पे जो प्रतिशत लगाते हैं टैक्स को लेके, वो अपने आप में सारी चीजें खारिज हो जाएगा। मसलन अगर पेट्रोल के ऊपर सेस अगर दिल्ली में अगर 12.5% अगर है तो मुंबई में भी 12.5% होगा इस सिस्टम के लागू होने के चलते। यानी कि दिल्ली में अगर 69 रुपीज अगर पेट्रोल है या फिर 59 रुपीज अगर पेट्रोल है तो मुंबई में भी 59 रुपीज ही होगा पेट्रोल की कीमत। ये तो ठीक है आप दत्ता जी, मैं आप सब आपको मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मुंबई के लिए तो बहुत अच्छी बात है, मुंबई लोग, मुंबई वाले खुश होंगे। मैं आपकी बात को पूरी बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ और आप क्या कहना चाह रहे हैं वो भी मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली वाले क्यों भुगते मुंबई के जगह, जहाँ टैक्स वैट कम है, जहाँ वैट कम है केवल दिल्ली नहीं दूसरे राज्यों में जहाँ वैट कम है और किसी राज्य में अगर ज्यादा है, जब आप उसको कॉमन करेंगे तो एक जगह तो जहाँ ज्यादा है वहाँ उनको तो फायदा होगा अगर कॉमन होगा, लेकिन जिनका पहले से ही कम था उनका तो नुकसान हो जाएगा। आप पूरे देश भर देश के परिपक्ष में होलिस्टिक व्यू आप क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं होलिस्टिक व्यू कह रहा हूँ, राज्य इसीलिए तो राज्य विरोध कर रहे हैं। होलिस्टिक व्यू लेके आप उस चीज को देखिएगा, होलिस्टिक व्यू पे इस तरह के यूनिट बेस वे में कैलकुलेशन नहीं होती है। जब पूरे ओवरऑल इकोनॉमी का जब हम लोग आकलन करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी के आकलन करके उसका रूपरेखा और उसका पूरा अल्टीमेट एनालिसिस। मैं कहूंगा आम आदमी ओवरऑल से उसको कोई मतलब नहीं, आम आदमी को मतलब ये है जो अपने पॉकेट से कितना पैसा दिया। आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोग क्यों भुगतान करें और मुंबई वाले क्यों फायदे में रहे, जब ये पूरे देश भर में जब ये पूरा टैक्सिंग सिस्टम लागू होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक ढांचा का मैकेनिज्म बहुत बहुत लंबा चला है और मैं 2 मिनट में आपको समझा नहीं सकता हूँ, पर ये जरूर है कि चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, हर जगह पे एक ही तरह का संतुलित वे में प्राइस मैकेनिज्म होगा और उस पर ना किसी का नुकसान होगा ना किसी का घाटा होगा। जो विरोध हो रहा है वो केवल राजनीतिक परिपक्ष में विरोध किया जा रहा है, कुछ प्रदेश के सरकार इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उनकी जो आमदनी है, जो ज्यादा प्रतिशत टैक्स लगा के जो आमदनी होता है वो आमदनी में कहीं ना कहीं पे अंकुश लगेगा और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम हो जाएगी, इसलिए राजनीतिक विरोध हो रहा है।
देश की इकोनॉमी को अगर संतुलित वे में अगर रखना है और ग्रोथ प्रतिशत अगर संतुलित वे में लेके जाना है तो ये अनिवार्य हो गया कि जीएसटी सिस्टम लागू हो। भारत में 20 साल पहले जीएसटी सिस्टम आना चाहिए था। बिल्कुल, हम जीएसटी सिस्टम के लागू नहीं होने देने के नहीं चाहते हैं, लागू नहीं हो, हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन जो आम आदमी की जो बात, जो आम आदमी जो प्रश्न उठा रहा, आम आदमी का क्या फायदा होगा जीएसटी से, वो हर एक राज्यों में मेरे ख्याल से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी और इसलिए भी थोड़ा लगता है इसका विरोध हो रहा है। और हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे साथ आकाश जिंदल साहब हैं, लगता है वो समझ रहे हैं हमारी बात को, जो प्रश्न हम उठा रहे हैं। आकाश जिंदल साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राज्यों में, क्या इसको लेकर के कोई बाद में आकर कोई कंफ्लिक्ट होगा क्या राज्यों में, कहीं पे सस्ता है कहीं पे ज्यादा है, तो जिनके यहाँ पहले से महंगा है उनको तो फायदा होगा लेकिन जिनके यहाँ पहले से सस्ता है उन्हें तो कुछ नुकसान उठाना ही पड़ेगा। बात कर रहे हैं आम आदमी से, आम कंज्यूमर से जोड़ के बात कर रहे हैं और आम कंज्यूमर उसी तरीके से देखता है। आम कंज्यूमर ये देख रहा है कि मेरे को जो है दिल्ली में अगर 9 रुपए है या किसी दूसरी स्टेट में, फॉर एग्जांपल एक किसी दूसरी स्टेट में 12 या 14 रुपए है, तो मेरे को अगर यूनिफॉर्म रेट हो जाता है, कल को अगर सपोजेशन ये है कि 14 हो जाता है, तो मेरे को 5 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मुझे उसकी वजह से नुकसान होगा क्योंकि वो उसकी जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है, उससे ज्यादा जो है आगे ना वो सोचता है ना ही शायद उसे सोचने की जरूरत है, उसे भी अपने घर का बजट देखना है। लेकिन इसमें जो है आपका प्रश्न बिल्कुल रेलिवेंट है और बिल्कुल एक आम आदमी के हिसाब से इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि मैं ये देख रहा हूं कि आगे चल के टैक्सेस सिस्टम के अंदर रैशनलाइजेशन होगी और जो आप 9 और 14 का प्रश्न उठा रहे हैं बड़ा उचित प्रश्न है, मेरे हिसाब से आगे चल के वो 9 सब जगह हो जाएगा, यानी शायद वो फिक्सेशन जो सबसे कम है उसके आधार पे हो, जहां सबसे कम है जी उसके हिसाब से आगे चल के वो हो जाएगा। और दूसरा एक और बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज होगी मेरे हिसाब से, कुछ हद तक करप्शन को जो है ये चीज खत्म करेगी। ऐसे हमने एलिगेशन देखे हैं कि लगे हैं कि जी करप्शन हो रही है किसी ट्रकर के यहाँ पे, तो ट्रकर की तरफ से एलिगेशन है कि बैरियर पे करप्शन हो रही है, ये चीजें कम होंगी वो देश की ग्रोथ को, क्योंकि अगर करप्शन भी किसी चीज में होती है वो डायरेक्टली हम सब जानते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर एड हो जाता है, कंज्यूमर लेता है, कुल मिला के पारदर्शिता आएगी टैक्स सिस्टम पर। हम सुन लेते हैं कि जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष हैं के मोनी, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, वो हम आपको सुनवाते हैं। The second conference after I have assumed office as the chairman of the Empowered Committee, where the main discussion will be about the various aspects of the GST. That I cannot positively say that, but I hope that it will be passed in the Rajya Sabha also, because there is no ground to oppose it, because it will be beneficial to the states at the center, most of the states. Anyway, it's all under discussion. We have not finalized everything. We are going to discuss all the aspects. बिल्कुल, तो इससे फायदा होगा तमाम राज्यों को, ये कहना है के एम मोनी जो कि जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, दरअसल सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि जिस भी राज्य को टैक्स रेवेन्यू में नुकसान होगा उसे केंद्र सरकार राहत पैकेज देगी, पहले साल में 100% और दूसरे साल में बताया जा रहा है कि 75% और तीसरे में 50% देगी, तो फिर आखिर यहाँ पर अड़चन क्या है, क्या मुसीबत है राज्य को, केंद्र सरकार बोल रही है कि हम देंगे उन्हें राहत पैकेज, राज्य सरकारें आश्वस्त क्यों नहीं हो रही केंद्र सरकार के बातों से, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि राज्य सरकार को आश्वस्त करना राजनीतिक नेतृत्व को ही नहीं प्रशासनिक नेतृत्व को भी आश्वस्त करना केंद्र सरकार का काम है। अगर केंद्र सरकार जिसके वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी हैं अगर वो आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र विरोधी जी, यही सवाल आपसे भी पूछ सकते हैं, यही सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि जब आप बिल को लाए थे इंट्रोड्यूस किए थे तो उस समय आप क्यों नहीं सहमति बना पाए थे, वही समस्या यहां भी है, आप दोनों पार्टियों पे ही आरोप है, आप राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक कारणों से सहमति नहीं बन पा रही है। 2014 में हमने अपने पूरे किए हुए अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का जवाब जनता से ले लिया है। नहीं, आपने जो सवाल उठाया है राजपूत जी, हम उसी वही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा जो अगर चीजें हैं तो राज्य से सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, सहमति तो आप भी नहीं बना पाए थे, विश्वास की कमी, तो वही चीज है। अब जब आप समझ रहे हैं,
नहीं नहीं, जब आप समझ रहे हैं कि चीज अच्छी है और हमारे समय में बीजेपी वालों ने समर्थन नहीं किया, तो चीज अगर अच्छी है, जनता के हित में है, तो हम समर्थन कर दे, तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए जो समर्थन कर दे। बिल्कुल। और जो संशोधन चाहिए वो संशोधन के लिए तैयार है, जो कंपनसेशन है, जो घाटा हो रहा है रिवेन्यू का, वो कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करें फिर, और पारदर्शिता की भी बात यहाँ पर की है, तो मुश्किल क्या है फिर? Would you allow me to speak? Yeah, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी प्रश्न आपका ही प्रश्न है कि क्या केंद्र सरकार के ऊपर, हमारी सरकारों के ऊपर, हमारी केंद्र की सरकार के ऊपर तो राज्य सरकारों ने भरोसा किया था और इसीलिए चर्चा चल रही थी। आज की डेट में केंद्र सरकार के ऊपर इतनी बड़ी बात केंद्र सरकार कह रही है, उसके ऊपर राज्य की सरकारों को, राज्य के प्रशासनिक अमले को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? उसके पीछे बड़ा स्पष्ट कारण है कि भारत के पूरे देश में गांव-गांव में केंद्र सरकार की एक छवि चली गई है कि यह सरकार कॉरपोरेट्स की सरकार है, यह सरकार मजदूरों की विरोधी है, छोटे खुदरा व्यापारियों के विरोधी है, यह सरकार किसानों की विरोधी है, यह सरकार आम आदमी की विरोधी है। राजनीतिक भाषा, ये राजनीतिक भाषा है, ये राजनीतिक भाषा है। मैं आप एक चीज जानना आप पॉइंट वाइज आप अगर इसमें कोई संशोधन चाहते हैं आप संशोधन कीजिए। आप बिल्कुल जीएसटी से अलग हट करके दूसरे मुद्दे पे क्यों चले जाते हैं जो किसान विरोधी है और आम आदमी का के विरोध में है सरकार? ये सारी चीजें जीएसटी से रिलेटेड है मित्र, जीएसटी से रिलेटेड है, तो जीएसटी से रिलेटेड संशोधन आप पेश कीजिए। आपकी बात को भी कमेटी में, आपके कमेटी में कांग्रेस के भी लोग हैं ना, और जो मनीष साहब है वो तो आप समझना, आप इस बात को तो समझिए कि जो चीजें हैं, जो काम खुद ही तो कह रहे हैं, यही बात तो कह रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त कमेटी में जाए ना ये, ताकि ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है बहुत आराम से विश्वास के साथ दिए जा सके, तो हमारा खुदरा व्यापारी, आकाश जिंदल साहब आपसे कुछ पूछना चाहिए। जी आकाश जी बताएं। सुरेंद्र जी, पहले मैं आई शुड क्लैरिफाई, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टी, आप ही की पार्टी थी जिसने देश में लिबरलाइजेशन शुरू की थी, जिसका आज तक हम फायदा उठा रहे हैं। आपने जो बात कही है, विद ड्यू रिगार्ड्स कहना चाहूंगा, आराम, आई थिंक वही इशू है। आराम अगर हम करने लग गए, आराम से काम करने लग गए, तो ग्लोबल दुनिया में बहुत बहुत पीछे रह जाएंगे। उस आराम की वजह से आज तक हमने बहुत ज्यादा जो है मैं कहूंगा नुकसान और कमियां पाई है। चाइना हमसे बाद में शुरू हुआ, कहीं आगे पड़ गया। अब तो हमारे पास समय है जल्दी एक्शन का। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ एक कंट्री का इकोनॉमिस्ट होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते, क्या आप लोग ये फील नहीं करते कि इससे करप्शन, रेड टेपिज्म और जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं वो कम हो जाएंगे? सिर्फ इतना मुझे आप बता दीजिए। और दूसरा जो है, इस टाइम तो हमारे लिए जरूरत है चीजों को स्पीड से करने की। अगर चीजों पे अभी भी डेलिबरेट डिस्कशन करते रहेंगे, दुनिया इस चीज की वेट नहीं करेगी, दुनिया हमसे आगे बढ़ती जाएगी। 20 साल पहले इंडिया की इकोनॉमी, इट वॉज अ स्टैंड अलोन इकोनॉमी, दीज आर माय फ्रेंड्स, डेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जिंदल साहब, हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। वाजपेयी जी, आपसे ये सवाल है, जिस तरह के आपके कांग्रेस के हमारे मित्र सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि राज्य से सहमति नहीं बन पा रही है, बावजूद इसके केंद्र सरकार इसको थोपना चाह रही है, जीएसटी को। जीएसटी से देश को और व्यापार को फायदा या नुकसान, इसके आधार पर यदि विचार करें तो असहमति का प्रश्न नहीं होगा, लेकिन केवल राजनीतिक कारणों से यदि विचार करेंगे तो असहमति स्वाभाविक है। मेरा ये मत है कि किसी भी स्थिति में हमको जीएसटी, जब हम लोग राज्यों में कहते हैं कि राज्यों में टैक्स की दरें बराबर होनी चाहिए, जिससे कि अब हरियाणा में वाहनों पर रजिस्ट्रेशन की दर कम है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, लोग हरियाणा से वाहन लेते हैं, तो सामान्य दर होना जी व्यापार के हित में है, वैश्विक व्यापार के हित में है। जी बिल्कुल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपको रोकना चाहूंगी, राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी नेता, क्या कुछ कहना है उनका, वो सुनवाते हैं आपको। अगले 4 दिन के लिए कार्यसूची पर है और उसमें जीएसटी है, जो देश के आर्थिक सुधार के क्रम में एक बड़ा कदम होगा, और ये कोई नया नहीं है। पिछले 15 वर्षों से जीएसटी पर चर्चा चल रही है, कांग्रेस के शासन में भी इस पर शुरुआत की गई और अब वो अंतिम छोर पर पहुंच चुका है।
वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल और बनता है। वाजपेयी जी, कांग्रेस के हमारे मित्र जो जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेता हैं, उनका साफ कहना है कि एक तो सहमति नहीं बना पा रही है, दूसरा कांग्रेस की जो मांग है कि सेलेक्ट कमेटी के पास उसको भेजना चाहिए, क्या परेशानी सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने में? साल से इस देश में सरकार किसकी थी ये कांग्रेस के मित्र बताएंगे क्या? और इस जीएसटी का इनिशिएटिव किसने प्रारंभ किया था ये कांग्रेस के मित्र बताएंगे क्या? जी सुरेंद्र जी, अगर आप सुन रहे हैं तो बताएं। है और देश में आर्थिक सुधारों के लिए ये आवश्यक महसूस किया जा रहा है, तो मेरा तो मत है कि राजनीतिक कारणों से उसका विरोध नहीं करना चाहिए। इससे यदि देश का भला है तो वो उसमें हम सबका भला है। सुरेंद्र जी दीजिए जवाब। एक प्रश्न है लक्ष्मीकांत जी से। जी पूछिए। लक्ष्मीकांत जी प्रणाम करता हूँ, सुरेंद्र राजपूत बोल रहा हूँ। ये जो ज्ञान की गंगा अब आई है भारतीय जनता पार्टी के, आपको तो खैर आप तो हमेशा से देश के हितों को सोचते रहे हैं और आप तो वरिष्ठ हैं हमारे, लेकिन ये ज्ञान की गंगा ये 2014 के ही बात क्यों आई? इससे पहले जब सहमति बनाने की बात आई थी सारे मुद्दों पर, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने अतार्किक विरोध क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन की सरकारें जो जिस दिन राज्यों में थी उन्होंने विरोध क्यों किया? आज की डेट में 52% देश की आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष शासन है, उन जगहों पर जीएसटी में सहमति क्यों नहीं बन पा रही? राज्य उनकी राज्य सरकारों को जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को आप लोग क्यों नहीं सहमत कर पा रहे हैं? क्या इस पर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करेंगे? निश्चित दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें तो सहमत होंगी, लेकिन मेरा केवल इतना निवेदन है कि अगर राजनीतिक दृष्टि से यदि हम विचार करें तो आपको असहमत होने का हक है, अन्यथा मेरा व्यक्तिगत आग्रह निवेदन है कि कांग्रेस को, क्योंकि पूर्व में उसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था ये, इसको उसमें सहमति देनी चाहिए। जी वाजपेयी जी, एक चीज से आप सहमत है, लेकिन कांग्रेस इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति नहीं, मुझे आप दोनों से आपत्ति है, मुझे आप दोनों की बात से आपत्ति है। हम आपका बहुत आदर और सम्मान करते हैं वाजपेयी जी, उन बिंदुओं पर निर्णय करने से पहले इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजें और व्यापक वाजपेयी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सुरेंद्र जी वाजपेयी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हमारा संपर्क टूट गया है वाजपेयी जी से, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा आपसे और वाजपेयी जी दोनों से ये आपत्ति है कि दोनों आदमी ने, आपने कहा कि राजनीतिक रूप से असहमत होने का अधिकार है, राजनीति सिर्फ असहमति के लिए नहीं है, सहमति के लिए होती है, और इसीलिए पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में राजनीतिक सहमति बनाई जाती है किसी मुद्दे पे, इसलिए सिर्फ ये बिल्कुल जी। देश लोकतंत्र से चलता है, डिक्टेटरशिप से नहीं चलता। जब ये प्लूरल नेचर का देश है आकाश जिंदल साहब, सिर्फ इकोनॉमी से देश नहीं चलता, यहाँ पर देश को चलाने के लिए बहुत सी चीजें, जायज और नाजायज चीजें देखनी पड़ती हैं, और जायज चीजों को लगाने के लिए जिस देश का नेचर प्लूरल हो उस देश में आपको सहमति बनानी आवश्यक है। जो मेरी समस्या है वो शायद नागालैंड का समाधान हो, और जो नागालैंड की समस्या है वो शायद केरल का समाधान हो, घर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और छत्तीसगढ़ से लेकर के बंगाल तक, यहाँ पर सबकी सहमति बनानी पड़ेगी और सब लोगों के रिप्रेजेंटेशन से बात करनी पड़ेगी। हम खाली पेट चलने के लिए लोगों से बात करना नहीं रोक सकते। एक बात सुनिए, आप कहते हैं इकोनॉमी से देश नहीं चलता, वेलफेयर स्कीम किसी भी तरह की हो, जो हमारे बीपीएल भाई बहन है उनका हमने फायदा देना है, अगर किसानों को फायदा देना है, उसके लिए अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा होगा तभी हम अपने बीपीएल भाई बहनों को रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, तभी हम अपने किसान को सशक्त बना सकते हैं। तो आप कह रहे हैं इकोनॉमी से देश नहीं चलेगा, अरे जिन लोगों को हमें भला करना, जिनकी हमारी ड्यूटी है, हमारे बीपीएल भाई बहनों, हमारे किसान हो, मजदूर हो, वो वेलफेयर कैसे होगा? बातों से होगा या पैसे से होगा? तो अगर हम बातें ही करते रहेंगे और डिसीजन लेंगे ही नहीं तो दुनिया वेट करेगी क्या? कोई यूरोपियन मैन्युफैक्चरर वेट करेगा? इंडिया आप सुनिए मेरी बात को, एक मिनट जी। 3 लाख करोड़ रुपए भारत की सरकार ने कहा कि 10 करोड़ का आवंटन करके हमने ऑप्शन करके 3 लाख करोड़ ले लिए। 50,000-60,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए बाकी करने में क्या दिक्कत है? आप तो क्या सरप्लस हो गए, जैसा कि भारत की एनडीए सरकार ने कहा। जी बिल्कुल, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। जो कैंट आर ओ के चेयरमैन है महेश गुप्ता, उनका क्या कुछ कहना है यूएस से बिल्कुल लेकर, वो आपको सुनवाते हैं।
जीएसटी पर बात करने के लिए हमारे साथ कैंट आरओ के चेयरमैन और पीएसडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट महेश गुप्ता जी हैं। महेश जी, जिस तरह से जीएसटी के बारे में चर्चा हो रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, केंद्र सरकार चाहती है लागू करना, अगर बिजनेसमैन के लिहाज से देखा जाए तो क्या लगता है आपको, फायदेमंद होगा? देखिए, एक बहुत रिवोल्यूशनरी एक बिल आई है सरकार जो लाई है, और अगर जीएसटी आता है तो पूरा देश एक बाजार बन जाएगा। अभी हर स्टेट एक एक बाजार बना हुआ है, वहाँ के लोकल टैक्सीज अलग लगते हैं, तो एक प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे प्रोडक्ट नहीं जा सकता, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, पूरी देश के लिए बहुत जरूरी है कि पूरा बाजार एक बने। वस्तुओं पर जो कर है, जो टैक्स है, वो राज्य भी अपने हिसाब से लगाते हैं और केंद्र अपने हिसाब से लगाता है, तो राज्यों का कहना है, खासकर जो कांग्रेस शासित राज्य है उनका कहना है कि राजस्व घाटा जो है वो बढ़ जाएगा अगर इस तरह की कोई योजना लागू होती है तो। हमारा ऐसा मानना है, ये गलत धारणा है उनकी, क्योंकि एक टैक्स ऐसा रखा जाएगा वो सबके बेनिफिट में होगा, एक बात। दूसरी बात, केंद्रीय सरकार ने ये भी कहा है कि अगर स्टेट्स को उसमें कुछ घाटा होगा तो उसकी उसको सपोर्ट सेंट्रल सरकार देगी, तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, टेक्निकल बात नहीं है जिसमें उनका विरोध होना चाहिए। और कांग्रेस तो खास करके विरोध नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि कांग्रेस जब गवर्नमेंट में थी, जब उसने ही इस बिल को प्रपोज किया था और बहुत आगे तक उसको लेके गई थी, तो अब वो क्यों विरोध कर रही है मैं नहीं जानता हूँ। क्या उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा इससे? हाँ बिल्कुल, उपभोक्ता को फायदा होगा। अभी हम देखते हैं कि आज नोएडा में आप बैठे हैं तो यूपी का कर देते हैं, और उसके बगल में दिल्ली बाजार है तो दिल्ली में कर कम है, तो यूपी का उपभोक्ता दिल्ली में जाके शॉपिंग करता है, पेट्रोल लेना है तो वो दिल्ली में जाके पेट्रोल लेता है, वो क्यों करेगा? उपभोक्ता को अपनी जगह पे ऑल इंडिया का रेट मिलेगा, वो बहुत खुश हो। तो पूरे भारत में एक कर प्रणाली होगी तो जो रेट है वस्तुओं के वो एक जैसे होंगे और इसका फायदा यकीनन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। बिल्कुल, उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। और बात कॉमन मैन की हो रही है, आम आदमी की हो रही है, उस पर हम बात करते हैं। आकाश जिंदल जी, मेरा बेहद सरल सा एक सवाल है आम आदमी से जुड़ा, क्योंकि इस देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मध्यम वर्ग के लोगों की, और सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर है वो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं। ऐसे में जब सरकार ये बोल रही है कि तमाम तरीके के टैक्सों को हटाकर सिर्फ एक ही टैक्स कर दिया जाएगा, पारदर्शिता बनेगी टैक्सेशन सिस्टम में, तो ऐसे में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि आम जनता तो चाहेगी कि वो देश में जहां भी जाए उसे एक ही तरीके का मूल्य चुकाना पड़े। बिल्कुल, देखिए, एक तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन। हिंदुस्तान में डिसीजन मेकिंग में डिलेज या काम करने में डिलेज क्यों है? क्योंकि बहुत से हैसल और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहा है, तो जब हम कॉम्प्लिकेशन दूर कर देंगे तो चीजों की स्पीड बढ़ जाएगी, और आज हमें स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, ये देश को मानना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में बाकी दुनिया से हम कम्पीट कर रहे हैं, तो बाकी दुनिया के साथ हमें उनकी स्पीड का मुकाबला करना पड़ेगा। पहले एक चीज और भी है, जो मोदी सरकार जब आई है तो उसके बाद से जो मेक इन इंडिया का इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपको क्या लगता है जो मेक इन इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने की दिशा में कहीं ना कहीं जीएसटी का ये जो सिस्टम है ये उसे सपोर्ट करेगा? बिल्कुल, देखिए मैं वहीं पे आने वाला था, मेक इन इंडिया तब तक कामयाब हो ही नहीं सकता, और इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल दूंगा। हमारे मित्र ने जो है कांग्रेस के, उन्होंने बात रखी कि इस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए। आज अगर मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, हम मैन्युफैक्चरर को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, अब उस मैन्युफैक्चरर के अलावा, हिंदुस्तान के अलावा 100 या 150 कंट्रीज और हैं या इमर्जिंग मार्केट्स और हैं, वो बाकी कंट्रीज को छोड़ के या अपनी कंट्री को छोड़ के हिंदुस्तान को क्यों चूज करें? उसके लिए हमें उसे दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ हमारे यहाँ प्रोसेस फास्टर हैं, सिंपल हैं, और अगर वो मेक इन इंडिया यहाँ पे आता है, जाहिर सी बात है यहाँ टैक्सेस ज्यादा बढ़ेंगे, साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिलेगा जो देश की जरूरत है। इसी चीज को मैं ग्लोबलाइजेशन के वर्ड की बात कर रहा था कि आज की तारीख में हमें दुनिया के प्रोसेसेस के साथ चलना पड़ेगा। दुनिया में अगर कहीं ट्रक नहीं रुका, हम 4-6 घंटे ट्रक को रोक के देश की इकोनॉमी को रोक देंगे। आज वो चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 20 साल पहले हमारी इकोनॉमी एक अलग थलग इकोनॉमी थी, इंटरनेशनल आपस में इंटेग्रेशन नहीं हुई थी, आज इंटरनेशनल ग्लोबल इंटेग्रेशन हो चुकी है। तो ऐसे में हमें बहुत जल्दी, बहुत एफिशिएंटली, फटाफट साथ चलना होगा। हाँ, राज्यों की जो डिमांड्स है बिल्कुल देखी जानी चाहिए, राज्यों को उनका ड्यू शेयर मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल इस चीज में साथ हूँ, बिकॉज राज्यों को वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उस चीज में कोई कमाई, मुख्य कमाई राज्यों की टैक्सेशन से ही आती है, ये जो टैक्स का जो पैसा है यही राज्य की मुख्य कमाई। एक चीज और जिंदल साहब आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, कि जो चीज अभी बातचीत हो रही थी हमारा, जो अभी आपने भी बताई कि पेट्रोल जो है यहाँ पे नोएडा में महंगा है और
दिल्ली में सस्ता है यहाँ से, वही चीज जो आपके शराब पे भी लागू होती है, तो क्या जो रेट जब फिक्स होगा तो क्या सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए कि जो लोअर रेट है, जो सबसे कम रेट है, उसके आधार पर फिक्सेशन किया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि जैसा कि दिल्ली वाले, जैसा कि अभी मैं जो दत्ता साहब जुड़े थे उनसे भी ये बातचीत मैं कर रहा था कि जो जहां पर पहले से ही कीमतें कम हैं उन राज्यों को थोड़ी भी अगर कीमत बढ़ाए तो उनको लगेगा थोड़ा मेरा नुकसान हो गया। तो फिक्सेशन के समय में क्या राज्यों को या केंद्र सरकार को उस चीज को सोचना चाहिए कि जहां पे सबसे कम रेट है उसके आधार पे फिक्सेशन किया जाए? बहुत बढ़िया बात कही है, इसे मैं कहूंगा हेल्दी क्रिटिसिज्म, वो वाली क्रिटिसिज्म जो रिक्वायर्ड है या वो वाली डिमांड जो रिक्वायर्ड है। जीएसटी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जीएसटी का रेट क्या हो? रेट ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी को लगे कि उसका टैक्स कम हुआ है, और ये उसकी दिशा में एक कदम है। बिकॉज जीएसटी अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, तो उसमें से लीकेजेस, जो कर की चोरी है, जो अभी तक हमने उस चीज को नहीं, हिंदुस्तान में हम जानते हैं, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, कर की कितनी चोरी होती है, जब कर की चोरी अगर कल को हम एक्चुअली रोक पाए उससे, तो जाहिर सी बात है, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही है, हम रेट ऑफ टैक्सेस को कम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज रेट ऑफ टैक्सेस क्यों ज्यादा है? बिकॉज बहुत ज्यादा लीकेजेस हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस की चोरी होती है, उसको रोक लेंगे और अल्टीमेटली टैक्सेस को लोअर करने की तरफ बढ़े, यही हमारा टारगेट होना चाहिए, उससे हम आम आदमी को बेनिफिट डेफिनेटली दे पाएंगे। बिल्कुल, टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। सुरेंद्र राजपूत जी वहां के पास आएंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो सुन लेते हैं पहले। हाँ, मैं राकेश वर्मा बोल रहा हूँ जम्मू से। जी, जीएसटी इम्प्लीकेशन जो हो रहा है उसके मेरे हिसाब से जीएसटी इम्प्लीकेशन से बेनिफिट ये है कि जितनी भी टैक्सेशन है वो सारी मर्ज हो जाएगी और मर्ज के सिंगल टैक्सेशन सिस्टम हो जाएगा जो वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में होता है। और मेरे हिसाब से ये है कि ये जीएसटी अप्लीकेबल होना चाहिए क्योंकि राइट नाउ जितने भी बिजनेस टैक्स रूल्स हैं वो सब मल्टीपल टैक्सेशन से यूज रहे हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं विद रेफरेंस टू मल्टीपल टैक्सेशन एज वेल एज असेसमेंट्स प्रोसीडिंग्स, वो सब खत्म हो जाएगा और जिसके कारण क्या है कि एक ही टैक्सेशन होने के कारण आगे बिजनेस टाइकून्स को बेनिफिट मिलेगा कि साल के या क्वार्टरली या मंथली एक ही बार हमें टैक्स पेमेंट करना है, दैट्स इट, एंड एक ही एरिया में हमें उसकी आगे इम्प्लीकेशन फॉलो करना जी। तो मेरे हिसाब से जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। बाबा रामदेव ने क्या कहा इस जीएसटी पर, उनको भी सुन लेते हैं। जीएसटी पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबा रामदेव हैं। बाबा, जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार चाहती कि बिल पास हो जाए लेकिन कांग्रेस शासित राज्य जो है वो विरोध कर रहे हैं इसका। टैक्सेशन टेररिज्म से मुक्ति दिलाने के लिए और इस देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए, देश की जो है आर्थिक समृद्धि को शिखर तक ले जाने के लिए जीएसटी बहुत जरूरी है। तमाम तरह के टैक्सेशन से देश के लोगों की बीमारियां भी बढ़ रही हैं और आर्थिक दृष्टि से भी देश बीमार हो रहा है, इसलिए जीएसटी होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर होना चाहिए। जी आकाश जी, जिस तरीके से सुरेंद्र जी ने कुछ सवाल पूछे थे वही आप जी, तीन सवाल मेरे मित्र सुरेंद्र जी ने पूछे थे जी, तीनों का एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। पहले तो रिटेल ट्रेडर को इससे मल्टी फोल्ड बेनिफिट्स होंगे। सुरेंद्र जी आपको मैं इन्वाइट करूंगा, आप मेरे साथ बैठे, मैं पूरा डेटा आपको दूंगा। रिटेल ट्रेड सबसे पहले तो असेसमेंट और कई चीजों से जो है मुक्ति पालेगा और उसको जो चेन में क्रेडिट मिलेगा, मैंने शुरू में कहा था, उसका उसको एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं टैक्सेशन रेट की बात कर रहे हैं, मैं उसमें आपके साथ हूं। आप टैक्सेशन रेट लेसर रखने के लिए सरकार को कहिए, हम आपके साथ हैं उसमें। बात तो यह है कि अभी आप लेजिस्लेशन को आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद रेट को जो है आप कम कीजिए, उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं है। मैं खुद ये कहता हूं कि सर्विस टैक्स अगर कम हो जाए और लीकेजेस कम हो जाए। तीसरी बात जो मैंने आपको दो बार तीन बार कही है, आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया है, और वही आपके प्रश्न के उत्तर के मेरा प्रश्न है कि लीकेजेस जब रुक जाएंगी तो जाहिर सी बात है टैक्सेशन का मोबिलाइजेशन बढ़ जाएगा, तब हम रेट कम कर पाएंगे। और अगर हम करप्शन और इनएफिशिएंसी को कम कर देंगे तो देश की स्पीड और ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आज की तारीख में हमारे लिए रिक्वायर्ड है। आकाश जी, सुरेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं बीच में। जी सुरेंद्र जी पूछिए। आपने सारी बातें, मैं सहमत हूं, मैं जीएसटी के कुछ प्रावधानों का आकाश जी विरोध कर रहा हूं, उन प्रावधानों को ठीक करने की जरूरत है।
आप समझिए मेरी बात को, जीएसटी तो जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो हम जीएसटी का विरोध क्यों करेंगे? हम कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़े हैं कि जबरदस्ती हम लोग किसी भी बात का बिना मतलब के विरोध करें। लेकिन उसके प्रावधानों में अगर एक्साइज का हो, खुदरा व्यापारी की जो मैं आपसे बता रहा हूं कि चेन सिस्टम में उसको फायदा 50 लाख और 75 लाख वालों को कैसे मिलेगा, आप मुझे बता दें। ये मुझे ना बताएं, उस सेलेक्ट कमेटी को बता दें जो सेलेक्ट कमेटी इसकी चीजों का ध्यान रखे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारी चीजों का जब तक आप उत्तर नहीं दे देते तब तक आप इसको थोपने का अगर प्रयास करेंगे तो लोकतंत्र में कोई चीज थोपी नहीं जा सकती। अब इसी का जवाब आकाश जी से ले लेते हैं। पहले तो किसी तरीके से कॉरपोरेट्स के या किसी एमएनसी का कोई गुलाम इससे नहीं बनता और ना ही बनना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, हमारा रिटेल व्यापारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अमेरिका और यूरोप अपने डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, हमारे रिटेल व्यापारी को ग्रोथ कराना, उसको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। और दूसरा, मैं आपकी पार्टी को भी क्रेडिट देता हूं, लिबरलाइजेशन को शुरुआत करवाने वाली या जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम आज एंजॉय कर रहे हैं उसका बेस बिल्कुल आपकी की पार्टी ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सवाल है तब रखा था। जी, वो सवाल पर मैं आ रहा हूं। हाँ। जो इन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा, पहले तो इन्होंने कहा था एमएनसीज और कॉरपोरेट्स की इसमें क्या जो है गुलामी हो जाएगी, ऐसी कहीं से नहीं होगी, कोई डाटा या प्रोविजन इस चीज को सजेस्ट नहीं करती। अब एक सवाल का जो रह गया, 50 लाख से 75 लाख वाले जो रिटेल ट्रेडर हैं, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं, पूरा डाटा अभी कहीं अभी रखता हूं, 50 से 75 लाख में कहीं पे कोई लॉस नहीं हो रहा, रादर उसके ऊपर जो है ब्यूरोक्रेटिक जो इश्यूज है वो कम हो जाएंगे, वो अपना एफर्ट ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ में लगा पाएगा और उसका जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी और उसके लिए अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। आप चाहे तो मैं आपके डेटा लेके दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बहुत रेलिवेंट बात कही है। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार जो है संसद को आश्वस्त करे, ये सरकार उन जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं भारत के, उसको जवाब दे। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस जीएसटी में जो एक चीज है जो आज की डेट में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है छोटे व्यापारियों के लिए आता है जिंदल जी, यहाँ पर मेरे गांव का, मेरे गरीब घर का, कस्बे का जो छोटा व्यापारी जो 25 लाख रुपए का ही काम करता है, जिसको कि आप आवश्यक कर दे रहे हैं जी, साथ कंप्यूटर से आपको जो है सारा का सारा आपको लोड करना है टैक्सेशन अथॉरिटी जी, और जो आप सर्विस टैक्स को 12 से 14% बढ़ा करके और टैक्स को लेकर आप 25-26-27% कर दे रहे हैं, इन सारी बातों का जवाब। और प्लस वो जिस आदमी के पास कंप्यूटर का सी नहीं है जी, वो कहां से टैक्सेशन अथॉरिटीज को अपना कंप्यूटराइज बिल्कुल बिल्कुल इसका जवाब लेंगे। एक दर्शक बिल्कुल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और दर्शकों आपको बता दें वो भी सुनेंगे, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और आपका क्या कुछ कहना है आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़ हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनका वो सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं एजाज खान बोल रहा हूँ नोएडा से जी। ये जो जीएसटी बिल जिस गवर्नमेंट अभी जो पास कराया है जीएसटी बिल, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जीएसटी बिल पास होने से एक फायदा हुआ कि जो भी सामान है, जरूरत की जो भी चीजें है, हर जगह सेम प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि दिल्ली में जो पेट्रोल है या कोई और सामान है वो काफी सस्ता मिलता है, बट वही सामान अगर यूपी में हम लेते हैं तो टैक्स बढ़कर वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो क्या है कि इससे ना लोगों को ट्रांसपोर्ट चार्जेस बचेंगे, आना जाना जो एक सिटी से दूसरे सिटी तक सामान लेने के लिए जाते हैं उन सबका टाइम बचेगा। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का, बस आगे देखते हैं राज्यसभा में किस तरीके से पास करते हैं, अगर ये हो गया तो एक निश्चित तौर पे ये अच्छा कदम होगा। जी बिल्कुल, समय की बेहद कमी है, हालांकि एक शॉर्ट में मैं आप दोनों से ही कमेंट देना चाहूंगी। सुरेंद्र जी बेहद संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जीएसटी बिल्कुल लागू करने वाला, अगर होता है लागू करने वाला जो भारत है वो अकेला देश नहीं है, इससे अगर बात जापान, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया तमाम इनकी भी की जाए तो यहां पर भी जीएसटी बिल लागू है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि हाल ही में जो बैठक हुई थी उसमें तमाम जो देश के जो माफ कीजिएगा जो भारत के राज्यों के जो वित्त मंत्री थे वो वहां पर शामिल होते, अधिकारी शामिल होते, और ये कुल मिलाकर कहा गया था कि जो सिलेक्टेड अधिकारी हैं, जो सिलेक्टेड जो अधिकारी रहेंगे वो उन देशों में जाकर देखेंगे, स्टडी करेंगे कि आखिर किस तरीके से इसका फायदा होगा। क्या ये एक समाधान नहीं है कि उन देशों में जाकर देखा जाए कि क्या कुछ फायदे हैं इसके? भारत का समाधान भारतीय होना चाहिए, मैं आपसे बताऊं बड़ी स्पष्ट रूप से अंजलि, भारत का समाधान भारतीय हो सकता है, भारत का समाधान विदेशी नहीं हो सकता।
दूसरा जितने देशों की आपने बात की वो बहुत छोटे देश हैं, उनकी आबादी बहुत कम है, उनका नेचर सिंगुलर है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे आर्थिक हो, हमारा नेचर प्लूरल है, हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूसरी हैं, वहाँ की समस्याएं दूसरी। बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अभी इस पे और भी चर्चा की जरूरत है, इस पे आम सहमति और भारत की संसद को ही जवाब देना होगा। बिल्कुल आम सहमति बनाने के लिए भी और चर्चा की जरूरत है। आकाश जिंदल साहब, आपसे आखिरी कमेंट चाहिए, एक एक्सपर्ट कमेंट। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र सुरेंद्र जी ने कुछ इश्यू रेज किए, मैं उनको एक बड़ी सिंपल सजेशन देना चाहूंगा जो सबके लिए वैलिड है। आप लेजिस्लेशन तो पास होने दीजिए, उसके बाद भी अगर कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट्स है वो तो आगे भी चलती रह सकती है। टैक्सेशन रेट्स क्या है, क्या प्रोसीजर है, बिल्कुल ये होता भी रहा है। लेजिस्लेशन तो बेसिकली पास होने दीजिए, लेजिस्लेशन को पास होने दीजिए, उसके बाद जो है आप अपनी अमेंडमेंट सजेस्ट कीजिए। और देश का आम हिंदुस्तानी, मैं देश के इकोनॉमिस्ट होने के नाते जहां आपकी बात सही होगी खुद सरकार के सामने रखेंगे और देश के इकोनॉमी के हित में काम करेंगे। जहां तक आपने बात की कि बाकी कंट्रीज छोटी हैं साइज में, हमारी कंट्री बड़ी है, तो एज एन इकोनॉमिस्ट विद ड्यू रिगार्ड बताता हूं, बड़ी कंट्री के लिए तो और जरूरी हो जाता है इस चीज को ज्यादा इंप्लीमेंट करना। हम तो डिले कर सकते ही नहीं है, हम तो जो है देरी का रिस्क ले सकते ही नहीं है, वो तो बहुत बहुत भारी पड़ जाएगा। जी, आपने छोटी कंट्री से लिए, जब आपका संविधान बना था तो बहुत सारे प्रावधान आपने छोटे छोटे देशों से ही लिए थे, लेकिन फिलहाल आज वंदे मातरम में इतना ही, आपको छोड़े जाते हैं हम पब्लिक मंच के साथ। सोते हुए अभिषेक के बालों में हाथ फेरते हुए सोच में डूबी ऐश्वर्या ने खुद को समझाया, फ्लॉप है तो क्या हुआ, जेल तो नहीं जाएगा। आलिया भट्ट और वरुण धवन सड़क पर चल रहे थे, उन्हें रास्ते में 1000 रुपए का नोट गिरा नजर आया। आलिया, अब हम क्या करेंगे? वरुण, डोंट वरी, हम 50-50 कर लेंगे। आलिया, और बाकी के 900 का क्या करेंगे? सौ मीटर के रेस कंपटीशन में पप्पू ने भी हिस्सा लिया, रेफरी ने कहा 1-2-3 गो, सब दौड़ गए, बस पप्पू अपनी जगह खड़ा रहा। रेफरी, तुम क्यों नहीं दौड़े? पप्पू, सर मेरा नंबर 4 है।